मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ, उस काम में लगा हूँ। और दो तीन छोटी छोटी बातें हैं कि आप कभी भी खाना खाएं तो यूरोप और अमेरिका की नकल करके मत खाइए, जैसे कुर्सी मेज पे बैठ के स्टैंडिंग पोजीशन में। आप कहीं जाते हैं शादी ब्याह बारात में, बफे सिस्टम है, तो पागल मत बनिए आप अपना खाना थाली में निकालिए, कहीं आराम से कोने में बैठ के खाइए उसको। इसमें कोई हम छोटे होने वाले नहीं, हमको ये शर्म आती है कि सब खड़े होके खा रहे हैं, हम नहीं खाएंगे तो हम उनको मूर्ख, मूर्ख तो वो है, आप कम से कम उन मूर्खों में इंटेलिजेंट रहिए। और कोई पूछेगा जी क्यों बैठ के खा रहे हो, तो उनसे कहो कि मेरे घुटने अभी काम करते हैं, कमर भी काम करती है, दोनों फ्लेक्सिबल है, हम बैठ सकते हैं, जब नहीं बैठ पाएंगे तब सोचेंगे खड़े खड़े खाएं। तो घर में डाइनिंग टेबल पे खाना ना खा के जमीन पे बैठ के खाएं। भारत में सबसे अच्छे खाने की पद्धति है सुखासन में बैठ के खाना, और खाने के बाद 10 मिनट कम से कम वज्रासन जरूर करें, दोपहर को हो या शाम को। और दोपहर के खाने के बाद 20 मिनट विश्राम करें, पहले 10 मिनट वज्रासन फिर 20 मिनट विश्राम। और रात को अगर खाना खाया तो 10 मिनट का बजट सकते हैं, जब नहीं बैठ पाएंगे तब सोचेंगे खड़े खड़े खाएं। तो घर में डाइनिंग टेबल पे खाना ना खा के जमीन पे बैठ के खाएं। भारत में सबसे अच्छे खाने की पद्धति है सुखासन में बैठ के खाना, और खाने के बाद 10 मिनट कम से कम वज्रासन जरूर करें, दोपहर को हो या शाम को। और दोपहर के खाने के बाद 20 मिनट विश्राम करें, पहले 10 मिनट वज्रासन फिर 20 मिनट विश्राम। और रात को अगर खाना खाया तो 10 मिनट का वज्रासन करके टहलने को जरूर जाएं, कम से कम 500-700 कदम चलें, 1000 कदम चलेंगे तो बहुत अच्छा है। ये मुश्किल से 10-12 सूत्र मैंने आपको बताए हैं, यही जिंदगी भर आपको निरोगी बना देंगे, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। वैसे तो कुल सूत्र 2000 से ज्यादा है, मैंने आपको 10-12 बताए हैं, क्योंकि ज्यादा बताऊं तो आपके दिमाग में बैठेंगे नहीं। सरल सरल सूत्र हैं, इनको आज से शुरू करिए। और मेरी आप सबको विनती है कि अपने बच्चों को तो इनका संस्कार दे दीजिए अभी से, उनको आदत डाल दीजिए कि भोजन के साथ पानी नहीं पीना है, 1 घंटे बाद पीना है। फिर वो कहेंगे गले में खाना फंस गया तो कहो लस्सी पी लो, दूध पी लो, पानी मत पियो। दोपहर का भोजन है तो लस्सी पिला दो, शाम का भोजन है दूध पिला दो, पानी मत पिलाओ, पानी 1 घंटे बाद ही पिलाओ। पानी हमेशा सिप करके पीने की आदत डाल दो उनको, जिंदगी भर पड़ी रहेगी। सवेरे उठते ही पानी पीने की आदत डाल दो, हल्का गुनगुना पानी पीने की आदत डाल दो। उनको जो संस्कार मिल गया तो वो फिर भूलने वाले नहीं है, और वो जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक कमेंट और शेयर करें, और हाँ हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।